प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ 14 ए विजिट टू ओरछा, ओरछा की यात्रा पर उसका एक हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो अपन ये समझ लेते हैं ये ओरछा है कहाँ पर। देखो ये मैंने गूगल मैप चालू कर दिया है, ये है ओरछा, मध्य प्रदेश में है ओरछा। ओरछा के बारे में क्या है, ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 के बाद किसी समय हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है ओरछा। देखो ये ओरछा मध्य प्रदेश, ये निवाड़ी जिले में स्थित है। तो अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दो टेम्पल्स ऑन द बैंक ऑफ बेतवा आर ब्यूटीफुल, मतलब वे मंदिर जो ऑन द बैंक, बैंक मतलब किनारा, ऑन द बैंक ऑफ बेतवा, बेतवा नदी के किनारे पर वो मंदिर बहुत सुंदर है, सेठ भोला, भोला ने कहा। बट टीचर सेठ, परंतु शिक्षक ने कहा, दे वेयर छत्रीस, मतलब वे मंदिर नहीं है, छत्रियां हैं, नॉट टेम्पल्स, मंदिर नहीं है, सेठ सचिन, सचिन ने कहा। डू यू मीन अम्ब्रेलास, क्या आप अम्ब्रेला जानते हो, भोला शोभा ने पूछा। नो नॉट अम्ब्रेलास, अम्ब्रेला नहीं, मतलब डू यू मीन अम्ब्रेलास, नो नॉट अम्ब्रेलास, मतलब वो अम्ब्रेला के बारे में नहीं जानते। टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा, सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छत्रीस, कुछ इमारतें जो है वो छत्री कहलाती है, ड्यू टू दियर फॉर्म, उनके आकार के कारण, एंड स्ट्रक्चर, और संरचना, आकार और संरचना के कारण कुछ इमारतें जो है वो छतरी कहलाती है। यहाँ पर अम्ब्रेला मतलब ये जो बरसात में हम सिर के ऊपर लगाते हैं ताकि हमारे ऊपर पानी ना आए, तो बच्चे ये समझे कि ये अम्ब्रेला की बात हो रही है, छतरी की बात हो रही है, जबकि छतरी ऐसी इमारतें होती है जो अपने आकार और संरचना के कारण छतरी जैसी दिखती है। सून दियर वाज मच नॉइस, थोड़ी देर में वहां पर एकदम से शोर होने लगा। इन क्लास 7, कक्षा 7 में, बिकॉज दे वेयर ऑल डिस्कसिंग, क्योंकि वह सभी जो है बहस कर रहे थे, देयर विजिट टू ओरछा, उनकी ओरछा की यात्रा के बारे में सब लोग बहस कर रहे थे। ऑल ऑफ देम वेयर वेरी हैप्पी, उनमें से सभी लोग क्या थे, खुश थे, एंड एक्साइटेड, मतलब उत्सुक थे, टू डिस्कस देयर विजिट, वो अपनी यात्रा के बारे में चर्चा करने के लिए उत्साहित थे, उत्सुक थे। आई हैव सीन ए वर्ड, मैंने एक शब्द देखा है, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर, नियर दोज छत्रीस, उन छत्रियों के पास बोर्ड था, उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ देखा है जिसका नाम था सिनोटाफ। आई विल अर्थ इस्क मीनिंग, मतलब मैं इसका अर्थ पूछूंगी, सेड अस्मा, अस्मा ने कहा। रमेश सेड, रमेश ने कहा, I would like to know the names of the two rivers that we saw flowing at ओरछा। यहाँ पर है I would like to know, मैं जानना चाहूंगा, the names of the two rivers, दो नदियों के नाम, that we saw, जो हम देखते हैं flowing, बहते हुए, at ओरछा, ओरछा में, ओरछा पर लगता है अर्थ, पर ओरछा में, तो ओरछा में दो नदियां बहती है, तो उनके मैं नाम जानना चाहूंगा। Yes, what do you want to ask me? मतलब तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? Dear teacher, उनके शिक्षक मिस्टर शाह, as he entered the class, मतलब उनके शिक्षक जो है मिस्टर शाह, जैसे ही क्लास में प्रवेश करते हैं वैसे वो पूछते हैं कि हाँ तुम क्या जानना चाहते हो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? Sir, sir, which are the two rivers? वो कौन दो नदियां हैं, वीसा, जो हमने देखी एट ओरछा, ओरछा में, अर्ज रमेश, रमेश ने पूछा कि सर वे दो कौन सी नदियां हैं जो हमने ओरछा में देखी। सर व्हाट इज ए छतरी, अब शोभा बोलती है, अर्ज शोभा, कि सर ये छतरी क्या होती है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोटाफ, अर्ज आसमा, आसमा पूछ रही है कि सर ये सिनोटाफ शब्द क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोटाफ, मतलब सिनोटाफ का अर्थ क्या है। वेल वेल, ठीक है ठीक है, वन बाय वन,
एक एक करके है। डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चन, सभी लोग एक साथ बहुत सारे प्रश्न मत पूछो, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। तो डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चन एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर या एक ही बार में बहुत सारे प्रश्न मत पूछो, वन बाय वन एक एक करके पूछो। द बेतवा एंड द जामनी आर द टू रिवर्स यू सा एट ओरछा, बेतवा और जमनी जो है वो दो नदियां हैं जो तुमने ओरछा में देखी है। दे मीट एट ओरछा, वे ओरछा में मिलती है। डू यू नो व्हाट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड, मतलब वो शिक्षक पूछ रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि दो नदियां जहां पर मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं। तो अब सचिन बोल रहा है संगम, मतलब उसको संगम कहते हैं। यस सचिन वेरी गुड, सचिन बहुत अच्छा। द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश इज कॉन्फ्लुएंस, संगम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस। कैन यू टेल मी नेम ऑफ ए प्लेस, क्या आप एक जगह का नाम बता सकते हो, वेयर थ्री रिवर्स, जहां तीन नदियां मीट मिलती है, अस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा। द गंगा द जमुना एंड द सरस्वती मीट एट इलाहाबाद, एंसर्ड सचिन, सचिन ने कहा कि वो जगह जहां तीन नदियां मिलती है वह है कौन सी, गंगा जमुना और सरस्वती जो है वह इलाहाबाद में मिलती है। यस द मीटिंग प्लेस ऑफ, द मीटिंग प्लेस ऑफ दिस रिवर्स इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम, इलाहाबाद में ये जो तीन नदियां गंगा जमुना और सरस्वती मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं, संगम कहते हैं। कैन वी सी द रिवर सरस्वती डियर, अर्ज्ड मिस्टर शाह, जो शिक्षक है मिस्टर शाह उन्होंने पूछा कि क्या हम उस संगम पर या उस जगह पर सरस्वती नदी को देख सकते हैं। नो सर इट्स हिडन सेड सचिन, सचिन ने कहा नहीं सर ये छुपी हुई है, हिडन है। टीचर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनोटॉफ, आसमा अर्ज्ड अगेन, अब आसमान ने दोबारा पूछा कि सर या शिक्षक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोटॉप, मतलब सिनोटॉप का अर्थ क्या है। अब यहां पढ़ रहे वो सिनोटॉप इज ए मोनूमेंट, मोनूमेंट मतलब स्मारक, बिल्ड इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, बिल्ड इन मेमोरी मतलब की याददाश्त में बनाया गया, सोल्जर सिपाही, सेलर्स नाविक और अदर्स और अन्य, हु डाइड इन सम फार अवे प्लेसेस, जो कहीं दूर जगहों पर मृत्यु हो जाती है उनकी, किनकी, सोल्जर की मतलब सिपाही की, नाविक की या अन्य लोगों की, कहीं दूर जगह पर मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में, उनकी याद में ये स्मारक बनाए जाते हैं जिनको सिनोटॉप बोलते हैं। द छत्रीस दैट यू सा आर मोनूमेंट्स बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द बुंदेला किंग्स एंड मेंबर्स ऑफ दियर फैमिली, मिस्टर शाह एक्सप्लेन, मिस्टर शाह ने समझाया कि ये छतरियां जो है जो तुम देख रहे हो ये इमारतें हैं, मोनूमेंट या स्मारक है जो बनाए गए हैं किनकी याद में, बुंदेले राजाओं और उनके परिवार के सदस्यों की याद में ये बनाई गई है इमारतें जिनको हम बोलते हैं छतरियां। सर हु वेयर द बुंदेला किंग्स, अर्ष्ट मोहन, मोहन ने पूछा कि सर ये बुंदेला राजा कौन थे। द बुंदेलास वेयर द किंग्स, बुंदेला राजा थे हु मेड ओरछा, जिन्होंने ओरछा को बनाया डियर कैपिटल, उनकी राजधानी, इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। तो सेड मिस्टर शाह, तो मिस्टर शाह ने क्या बताया कि बुंदेला वे राजा थे जिन्होंने ओरछा को 16वीं शताब्दी में उनकी राजधानी बनाया था, किसको, ओरछा को। हु बिल्ट दोज ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एट ओरछा, अर्ष्ट मोहन, मोहन ने पूछा कि ये सुंदर जो इमारतें हैं ओरछा में ये किसने बनाई। इट वॉज द बुंदेला किंग्स, ये बुंदेला राजा थे हु बिल्ट देम, जिन्होंने इन सुंदर इमारतों को बनाया। दे आर डिफरेंट, वे अलग है फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अन्य ऐतिहासिक इमारतों से, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, अन्य ऐतिहासिक इमारतों से इन अवर कंट्री। तो ये बुंदेला राजाओं ने जो इमारतें बनाई है ओरछा में वो अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं जो देश में हैं उनसे बिल्कुल अलग है। सो दे आर कॉल्ड,
द बिल्डिंग्स ऑफ द बुंदेला स्टाइल। इसलिए ये बिल्डिंग या इमारतें जो है वो बुंदेला शैली की कही जाती है। एंड टूरिस्ट और जो जो घूमने वाले रहते हैं, टूरिस्ट जो रहते हैं, आगंतुक जो रहते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगहों से जो घूमने वाले आते हैं, कम टू सी देम, वो संसार के सभी जगह से इन बुंदेला स्टाइल या बुंदेला शैली की इमारतों को देखने आते हैं, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। सर वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, सेड सविता, सविता ने कहा कि सर हमने कुछ आश्चर्यजनक पेंटिंग देखी दीवालों पर। तो वहां की दीवालों पर हमने क्या है, वंडरफुल पेंटिंग, आश्चर्यजनक पेंटिंग देखी दीवालों पर। यस, हाँ, द वॉल्स ऑफ एवरी बिल्डिंग इन ओरछा, ओरछा में इमारतों की प्रत्येक दीवालों पर आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स, पेंटिंग से सजाए गए हैं ये, दे आर कॉल्ड म्यूरल्स, इनको म्यूरल्स कहा जाता है। तो ओरछा की इमारतों की प्रत्येक दीवारें जो है वो पेंटिंग से सजाई गई है और इनको पेंटिंग को क्या बोलते हैं, म्यूरल्स। इन द 16th and 17th century सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में द म्यूरल वर्क, मतलब ये पेंटिंग की जो शैली है म्यूरल, इस काम को रीच्ड ए ग्रेट हाइट्स इन इंडिया, भारत में जो है वो अपनी उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी, ग्रेट हाइट पे पहुंच गई थी, मतलब बहुत पॉपुलर हो गई थी, लोकप्रिय हो गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में टू बेसिक स्टाइल्स, दो आधारभूत शैलियां और पेंटिंग, पेंटिंग की वेयर पॉपुलर, लोकप्रिय थी। दे वेयर नोन एज, वे जानी जाती थी एज द राजपूत एंड मुगल स्टाइल्स, जिनको राजपूत और मुगल शैली कहा जाता था। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की राजपूत स्टाइल या राजपूत शैली वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट स्टाइल, और राजपूत शैली जो है पेंटिंग की राजपूत शैली को तीन और अन्य भागों में विभाजित किया जाता है और उनके नाम है राजस्थानी, कांगरा एंड बुंदेला। ओरछा वॉज द मेन सेंटर ऑफ द बुंदेला स्टाइल, ओरछा जो है इस बुंदेला शैली का मुख्य केंद्र था, एक्सप्लेन्ड मिस्टर शाह, शाह ने एक्सप्लेन किया, समझाया। सर हु लुक्स आफ्टर दी बिल्डिंग्स नाउ, अर्ष्ट आसमा, आसमा ने पूछा सर अब इन इमारतों की कौन देखभाल करता है। दियर इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहां एक सरकारी कार्यालय है कॉल द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग, जिसे पुरातत्व विभाग कहा जाता है, वो जो शासकीय विभाग है जो इन इमारतों की देखभाल करता है। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, यह विभाग जो है वो जिम्मेदार है फॉर लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने के लिए एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, एंशियंट मतलब प्राचीन, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, तो प्राचीन और ऐतिहासिक, मोनूमेंट्स मतलब स्मारक, बिल्डिंग मतलब इमारतें हैं। तो यह विभाग जो है वो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और इमारतों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है। बाय दिस टाइम, इस समय से द बेल हैड रंग, मतलब इस समय क्या हो गई, घंटी बज गई स्कूल की। द टीचर सेड इट सीम्स, मतलब टीचर कह रहे हैं इट सीम्स ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर विजिट टू ओरछा, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि तुमने सभी ने ओरछा की यात्रा को बहुत आनंदित लिया या आनंद लिया उसका। वी कैन कंटिन्यू, हम इसको और आगे जारी रखेंगे, अवर डिस्कशन टुमारो, कल जो है, आने वाले कल को इसके ऊपर हम और चर्चा जारी रखेंगे। तो ये थे ओरछा की यात्रा, कक्षा 7 अंग्रेजी पार्ट 14 का हिंदी रूपांतरण। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।